गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो 6 बज रहे हैं और आज मैं कल रात मैं उन लोगों के रूम पे ही सोई थी, अभी आ रही हूँ। कमरा इतना गर्म था यार, मुझे लग रहा था मैं सो जाऊँ, बट नहीं 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 आज तो कल की भरपाई करनी है। सो लेट्स स्टार्ट माय डे। सो गाइज, मैं अपनी फर्स्ट सेशन में 6 बजे बैठी, जो कि आमतौर पर तो 2 या 3 घंटे का होता है, बट आज मैं 7 बजे उठ गई थी क्योंकि अंशिका अखिल आज घर वापस जा रहे थे, तो मैंने उनके लिए सुबह परांठे बनाए। और फिर उनके जाने के बाद मैंने सोचा जो मैं अपने लिए मुझे चपातियां बनानी है वो भी मैं बना के रख देती हूँ, और अब फ्रेश होने के बाद ही बैठूंगी। सो मैंने सुबह सिर्फ 1 घंटे ही पढ़ा। क्यों, क्या आप ये मिरर देख पा रहे हैं? ये वही मिरर है जिसको हर बार बस मैं ही साफ करती हूँ। ये ब्रश करने वाले लोग, यहाँ पे आके नखरे मारने वाले लोग, इसे कोई भी साफ नहीं करते। तो गाइस, ये रितु जी फोटोशूट के लिए जाती हुई। गाइस, मैं इतनी अच्छी फोटोग्राफर हूँ ना, इसके इतने जानदार फोटो खींचे ना मैंने। गाइस, अगर गलती से एक बार कोई एक फोटो, 100 में से कोई एक फोटो अच्छा आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा फोटोग्राफर है। ओके गाइस, यार आज तो कुछ नहीं मिल रहा पहनने को। हम संडे को कपड़े धोते हैं और सारे कपड़े धोने के लिए पड़े, कुछ नहीं धोया, मम्मा से तो डांट पड़ने वाली है। एनीवे, मैं अपना सारा काम निपटा के आ गई हूँ, अब मुझे सिर्फ पढ़ना है एंड लेट्स स्टार्ट। तो मैं इस सेशन में 8:30 बैठी, जो कि 11:30 बजे तक 3 घंटे का रहने वाला था। और मेरे आज दिन का टारगेट था कि मुझे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम और वाटर इन एटमॉस्फेयर कंप्लीट करना था, तो मैं पहला वाला चैप्टर इस सेशन में पढ़ रही थी। तो वह 11:30 हो रहे हैं और मैं ना पहले खाना खाने बाहर आई थी, बट फिर मुझे दिखा मम्मा आ गए हैं, पर वो डायरेक्टली ना स्कूल गए हैं, पर उनका बैग छोड़ के गए यहाँ पे, तो उसमें बिस्किट था और आज चाय के साथ। फिर मुझे बचपन के दिन याद आ गए जब हम चाय के साथ बिस्किट खाते थे। हाय, इसका मजा ना कुछ और ही है यार। आपको कैसा फील हो रहा है फिर चाय के साथ बिस्किट खाते? तो मैंने सोचा था मैं खाना खाने के बाद ब्रेक नहीं लूंगी, सीधा पढ़ने बैठ जाऊंगी, बट फिर मैं व्लॉग एडिट करने लग गई क्योंकि कल भी बहुत लेट हो गया था, तो मुझे लगा आज पहले व्लॉग ही एडिट कर लेती हूँ। और मुझे फिर 2 बज गए। 2 बजे मैं अपने सेशन में बैठी और यार जो मैंने ना चैप्टर उठाया था, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है यार उसमें, मतलब हर एक लाइन में ना एक पूरा कॉन्सेप्ट है और उसको आपको डिटेल से समझना है। और फिर मैं 5 बजे तक बैठी, उतने में मम्मा आ गए, फिर हम लोग उनके पास चले गए। Look guys, who is here? वरे एक दिन में ही आ गया आप, मम्मा 2-3 दिन रहना था, हमने नहीं कुछ बोलना था आपको। ये स्कूल किसने जानता मेरे बदले? स्कूल तो भाई आप ही जा सकते, हम नहीं जा सकते। और क्या हाल चाल है आपके? मम्मा सब काम अकेले कर रहा बड़ा। रितु ने कुर्ती लगाई, मैंने जैकेट लगाई, मामा कपड़े ही नहीं है सब धोने को, धोए नहीं हमने। सो मम्मा के साथ बैठते बैठते हमें 6 बज गए और फिर 7 बजे हमें खाना खाना था, तो मुझे मैं 1 घंटा और पढ़ने बैठ गई 6 से 7, और इस तरह से मेरे आज के दिन के 8 घंटे पूरे हो गए थे। अब मेरे बचे थे सिर्फ 2 घंटे। क्या हो रहा था फिर से, वो अब नहीं खाना पड़ना दूध के साथ खाना यार। हम कहते दूध के साथ जबरदस्ती खिला रहे थे, तो भाई कोई ऑप्शन नहीं था, दूध झाड़ में जबरदस्ती झाड़ के साथ खाई है। क्या नहीं बोला, पानी डाला, पानी इसमें की नहीं। बैठो बैठो बैठो। ये देखिए, ये ऐसी रोटी मिलती है मिल तो रही ना। हाँ रोटी है, रोटी ही तो क्या है, ये रोटी नहीं है, मिल तो रही बड़ा है यहाँ पे। तो खाना खाने के बाद आज मैं 9 बजे पढ़ने बैठी क्योंकि आज मम्मा इतने दिनों बाद आए थे, तो हम मम्मा के साथ गप्पे मार रहे थे। तो 9 बजे से फिर मैंने 11 बजे तक 2 घंटे और पढ़ा, और इस तरह से मेरे आज के 10 घंटे पूरे होते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।